आप सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने दो वीडियो डाल चुका है। कहाँ कहाँ के वीडियो डाल चुके हैं हम लोग? अभी तक हम लोगों ने धुरवा, जो कि वहाँ पे राम मंदिर बना है, और एक बकरी बाजार। जी हाँ, और इस वीडियो में हम लोग आपको रांची के सारे पंडाल दिखाने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और आप घूमने जा सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक एक करके सारे पंडाल दिखाएंगे। तो चले चलिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं रांची रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। यहाँ पे सर हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सभी को नवरात्र की ढेर सारी बधाई। जी, इस बार का जो दुर्गा पूजा का पंडाल है, कुछ अलग ही रूप से आप लोगों ने सजाया है। कौन से थीम पे आप लोगों ने रखा है? देखिए, ये कोयम्बटूर के आदि योगी में जिस प्रकार से प्रत्येक दिन शाम 7 बजे दिव्य दर्शन होता है, उसी तर्ज पर यहाँ भी शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक दिव्य दर्शन किया जाता है, और दिन भर श्रद्धालुओं के लिए पंडाल खुला रहता है। यहाँ पर आदि योगी की 50 फीट की प्रतिमा है, उसको लोग जब लेजर शो नहीं चलता है तब भी दर्शन कर सकते हैं, माँ भवानी का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन लेजर शो की शुरुआत शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक होती है। जी, और इस बार की लागत क्या होगी, इस बार पंडाल जो बना है? इस बार 50 लाख की लागत से पंडाल का निर्माण किया गया है। कहाँ के कारीगर थे? ये सारे बंगाल के कारीगर थे, और यह जो लेजर शो है जी, यह अहमदाबाद से है। अच्छा, लेजर शो अहमदाबाद से? गुजरात से। गुजरात से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सारे दर्शकों को अभी हम लोग अंदर लेके चलते हैं और यहाँ का लेजर शो दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं लेजर शो देखने के लिए। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को लेजर। दोस्तों, सबसे ज्यादा इस पूजा पंडाल में भीड़ है क्या पीयूष? बहुत ज्यादा भीड़ है। और अभी लेजर शो हम लोगों ने देखा, कैसा लगा पीयूष? यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो कोई भी पंडाल में नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ अद्भुत, कुछ अलग ही है यहाँ पे। बिल्कुल, ये पूजा पंडाल आप लोग जरूर से विजिट करना, क्योंकि ये सच में बहुत अलग सा और बहुत अद्भुत लगा हमें, है ना पीयूष? तो जितना खूबसूरत ये बाहर से है, उतना ही खूबसूरत अंदर में भी है, और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं रांची रेलवे स्टेशन का पूजा पंडाल, और अभी माँ दुर्गा के हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पंडाल सजाया गया है। साथ ही आपको दिखा दें कि ये पूरा पंडाल छोटे छोटे कलाकृतियों के साथ बहुत ही अच्छे से सजाया गया है, और साथ ही आपको यहाँ का एक एक चीज़ हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से, क्योंकि आदि योगी का ये पूरा थीम पे बनाया गया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो चीज़ें यूज़ की गई है, आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पर भी है, योगासन के मुद्रा में है, और यहाँ पे माँ दुर्गा का प्रतिमा बनाया गया है। तो दोस्तों, हम लोग आपको यहाँ के साथ, अब इसके बाद दूसरा जगह कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग जाने वाले हैं मेन रोड। हाँ, तो अभी हम लोग मेन रोड जाएंगे, और इसी तरीके से आपको रांची के सारे पूजा पंडाल के दर्शन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग पंडाल के अंदर जा रहे हैं, है ना पीयूष? हाँ, और ये हम लोग मेन रोड में पहुँच चुके हैं। हाँ, अभी मेन रोड का आपको पंडाल दिखाने वाले हैं। चलिए अंदर चलते हैं और माता के दर्शन कराते हैं।
दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रातू रोड के आरआर स्पोर्टिंग क्लब के भव्य पंडाल पे और यहाँ पे सारे सदस्यगण यहाँ पर है। सभी को नमस्ते। नमस्कार। इस बार का जो पूजा पंडाल है बहुत ही खूबसूरत है, ये कौन से थीम पे बनाया गया है? देखिए बेसिकली ये झारखंड की संस्कृति और माँ का ही एक रूप हमने दर्शाया है। और शांति का प्रतीक हमने दिया है और नारी शक्तिकरण पर हमने इस पंडाल को आधारित किया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पंडाल। कितना टाइम लगा और कितने की लागत लगी है इस पंडाल को बनाने में? देखिए लगभग 48,000 के अप्रोक्स हम लोगों का पंडाल का बजट था। 48 लाख। अच्छा, लगभग पंडाल का बजट है और बेसिकली हम लोग 8 महीने से इस पंडाल को हल्दिया के कंटई में बनवा रहे थे। यहाँ असेंबल हुआ है पंडाल, क्योंकि आप काम जो देखें, जो कारीगर है वो कहाँ के हैं? कंटई, कोलकाता। कोलकाता, अच्छा। और लगभग कितने महीने का समय लगा इस पूरे पंडाल को बनने में? 8 महीने थे। अच्छा, और ये जो मटेरियल यूज हुआ है पंडाल को बनाने में वो कौन सा यूज किया गया है? देखिए बेसिकली क्या है कि हमारे पंडाल में लकड़ी का काम है, इको फ्रेंडली है, कहीं पर भी कोई भी पॉलीबैग, पॉलिस्टर या किसी तरह का थर्माकोल का यूज नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो ये एनवायरनमेंट को सबसे अच्छी चीज है सर। और आप देख सकते हैं सारे सदस्य यहाँ पर है आरआर स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड का। ये भव्य पंडाल माँ का दरबार सज चुका है और हमेशा की तरह आरआर स्पोर्टिंग क्लब का जो पंडाल होता है वो देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और थीम बेस्ड रहता है, जो भी यूज हुआ है इको फ्रेंडली यूज हुआ है। दर्शकों को अभी हम लोग माँ का दरबार लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कितना सुंदर माँ की प्रतिमा अंदर विराजमान है। चलिए हम लोग अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अंदर चल रहे हैं और यहाँ का माँ का प्रतिमा दिखाने वाले हैं। जी हाँ, और अभी हम लोग रातू रोड पंडाल में पहुँच चुके हैं। बाहर से कैसा लग रहा है पीयूष? बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और जो पंडाल है ना बहुत अनोखा है, बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, चलिए। और ये झारखंडी थीम पे बनाया गया है और झारखंड की लोक कला भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं दीपा टोली में बांध गाड़ी पूजा समिति और यहाँ पे आप उपाध्यक्ष हुए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार आप लोगों का ये पूजा पंडाल कौन से थीम पर बना है? हमारा पूजा पंडाल का थीम है पर्यावरण को संरक्षण देना और हमारा पक्षी संरक्षण देना। अच्छा, पशु पक्षी के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और ये जो लाइटिंग किया गया है, मुझे लगता है ये घड़े के अंदर कुछ लाइट है क्या? हाँ हाँ, ये घड़े के अंदर लाइट है। कितना घड़े का प्रयोग किया गया है? 2200 घड़े हैं। अच्छा, 2200 घड़े का प्रयोग किया गया और आप देख सकते हैं पूरा लाइट लगाया गया है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए इनका थीम है और पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे खास बात तो घड़ों का प्रयोग किया गया है, मिट्टी का प्रयोग किया गया है, जो कि पूरे तरीके से लाइट्स लगाया गया है इसमें। 2200 घड़े का प्रयोग किया गया है और घोंसले का थीम है। माँ को भी एक घोंसले के रूप में वहाँ पर रखा गया है, घोंसले के बीच में विराजमान किया गया है और पक्षी के संरक्षण की बात हो रही है। तो बहुत ही अच्छा संदेश भी दे रहे हैं इस बार इस दुर्गा पूजा दीपा टोली बांधगाड़ी का। ये दुर्गा पूजा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको दिखाते हैं माँ का दर्शन कराते हैं। एक घोंसला के थीम का आकार दिया गया है, पूरा घोंसला बनाया गया, उसी के अंदर माँ विराजमान है और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत चिड़िया का रूप भी दिया गया है और पंख भी लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये।
तो पीयूष कैसा लगा ये पंडाल? ये पंडाल बहुत हटके है, बहुत यूनिक है, और मतलब पंडाल मतलब ऐसा दर्शा रहा है, मतलब पंडाल से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और कुछ ना कुछ प्रतीक है पंडाल का। बिल्कुल, और अभी तक का ये पंडाल बहुत ही खास, बहुत ही अलग है, और 2200 घड़ों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग जगह से पक्षियों के संरक्षण की बात को दिखाया गया है। लोग यहाँ पर आएंगे, बच्चे यहाँ पर आएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। आप सभी को ये पंडाल जरूर आना चाहिए, पंडाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और पंडाल में देखने से पता चल रहा है पंडाल में बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया गया है, तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए। और अगर आप आती जगह पर आते हैं तो पंडाल की खूबसूरती को देखें, ये नहीं कि आके उसको छू रहे हैं, बिगाड़ रहे, खराब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसके बाद हम अगले पंडाल दिखाने के लिए चलते हैं। चलिए, तो दोस्तों अभी हम लोग अरगोड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति है। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय राम, जय माता दी। और सबसे पहले तो इतना खूबसूरत सा पंडाल बना है इस बार यहाँ पे, कौन सा थीम पे बना है? देखिए, हर साल अरगोड़ा में बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर पंडाल का आयोजन किया जाता है, और इस वर्ष आप सभी को जो सामने देखने को मिल रहा होगा जो कि तिरुपति बालाजी का प्रारूप पूजा पंडाल का यहाँ पे थीम दिखाया गया है, और जो आपको जस्ट बगल में जो गरुड़ महाराज का जो इस चित्र के ये और ये प्रतिमा के माध्यम से दिखाया गया है। अच्छा, जो कि ये आप तिरुपति बालाजी के मंदिर जाते हैं तो ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस पूजा पंडाल में ये एडिशनल के तौर पे ये दिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अरगोड़ा का ये पूजा पंडाल सारे श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है, आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अंदर में माँ की प्रतिमा विराजमान है, अभी सारे लोगों को अंदर लेके चलेंगे और दर्शन करेंगे। तो चलिए इस अरगोड़ा के पंडाल का दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सेवा सदन हॉस्पिटल के पास, और यहाँ पर है राजस्थान मित्र मंडल, और यहाँ पे भैया हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते, जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम क्या है? अमन पुरोहित नाम हुआ, आयोजन समिति से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस बार राजस्थान मित्र मंडल कौन से थीम पर ये पूजा पंडाल लेकर आई है? भैया, झारखंड वासी, रांची वासी सब पक्का पक्का बिल्डिंग, ऊंचा ऊंचा घर देखकर सब बोर हो चुके हैं। हम लोग पुनः कोशिश कर रहे हैं कि आओ, हम अपने जिस जमीन से जुड़ते हैं उस जमीन को भूल जा रहे हैं, गांव आइए, फिर से एक बार गांव में ले चले, हमारा थीम है। अच्छा, तो ये थीम पूरा गांव विलेज थीम है? विलेज थीम है। आप विलेज के अंदर में हम लोग की महिलाएं गांव के किसान जैसे खड़ खड़ा करते थे, खड़ का काम देखने में, खड़ का रस्सी बनाया गया है, जो बंगाल की महिलाएं पूरा गांव का गांव खड़ को निर्माण किया, 17 टन खड़ या पुआल का उपयोग किया गया है। पुआल? हाँ, पुआल। अच्छा, और ये कहाँ के कारीगर थे जो बनाए हैं? बंगाल के कारीगर थे। बंगाल के? हाँ। और कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने? भैया, 3 महीना समय लगा है। आप पंडाल के बाहर देखिएगा तो आपको पहले झारखंडी थीम महिलाएं नृत्य कर रही हैं, उसके बाद आप नीचे सुराए पेंटिंग देखिएगा, अगल बगल में दो स्तंभ खड़ा है, स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा झारखंड का कलाकृति और लकड़ी पुआल किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। पंखा, हाथ वाला पंखा जो कल्चर से आउटडेटेड हो चुका है, हम पुनः उन्हें जागृत करने का छोटा सा एक प्रयास किए हैं। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत पंडाल लेकर आए हैं राजस्थान मित्र मंडल। लगभग क्या लागत होगी इस पंडाल की? पंडाल की लागत 25 लाख रुपए है, और ये सबसे बड़ा बात है, झारखंड वासी और रांची वासियों का प्रेम है जो बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग हमें देते हैं, और ये सही मायने में समस्त झारखंड वासियों का ही पूजा हम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। तो दोस्तों चलिए इस राजस्थान मित्र मंडल पंडाल के अंदर चलते हैं और माता के दर्शन आप सभी को कराते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पूजा पंडाल के अंदर घुस चुके हैं, और अगर मैं इसको दिखाऊं आपको ना, तो ये पूरा वो पुआल से ही, पुआल की रस्सी से इसको पूरा सजाया गया है, और बहुत महीन काम है। लास्ट ईयर ये लोग काजू का पंडाल लेकर आए थे, इस बार अलग थीम पर लेकर आए हैं, और ये जो पेंटिंग है ये हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग है, आप देख सकते हो।
श्री कृष्ण यहाँ पर हैं, श्री कृष्ण और सुदामा जी, श्री कृष्ण की अलग मूर्ति पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है और ये सारे चीज़ बहुत ही सुंदर, बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। और पंखा जो होता है बेना, जो आउटडेटेड हो गया जैसा कि बता भी रहे थे, उनका प्रयोग किया गया है। और ऊपर झूमर से लेकर नीचे ये स्तंभ, सारा कुछ बहुत ही खूबसूरती से दिखाने की कोशिश किया गया है। एक बार ये पूजा पंडाल आप ज़रूर आइएगा, माता के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी पीयूष इधर है और पीयूष सर हम लोग दोनों कैसे लग रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। और अभी हम लोग आपको लेकर चल रहे हैं ओसीसी क्लब का ये पूजा पंडाल जो कि बंगला स्कूल के पास में है। और हमारी कोशिश है कि हम लोग सारे पंडाल का दर्शन आपको कराएं और अभी तक हम लोग 10-15 पंडाल घूमने का प्लान किए हैं, टारगेट है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हाँ, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रांची में जितने पंडाल है सारे आपको दिखाएं। तो चलिए इसके दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये पंडाल सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, राजस्थानी थीम पर बनाया हुआ है। और लास्ट ईयर भी हम लोग यहाँ पर आए थे और बहुत ही अच्छा फोटोज़ यहाँ पर आता है। अब माँ के दर्शन चले आप लोगों को कराते हैं। और यहाँ पे दुर्गा माँ की प्रतिमा ना बहुत खूबसूरत है, मुझे यहाँ का दुर्गा माँ का प्रतिमा हर साल बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ राजस्थानी कलाकृति आपको दिख रही होगी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। आइए अंदर चलते हैं। तो ये पूजा पंडाल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है, राजस्थानी थीम पर पूरा बना हुआ है। कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? अभी जितने पंडाल ओपन हुए हैं, बकरी बाज़ार और धुरवा का राम मंदिर बेस जो बना है वो काफ़ी अच्छा है। ये आप जो देख रहे हैं ये भी राजस्थानी थीम में काफ़ी अच्छा पंडाल। और हम लोग ना दो वीडियो बना चुके हैं दर्शकों के लिए, दो वीडियो डाल चुके हैं, एक राम मंदिर का अलग से वीडियो और एक बकरी बाज़ार का अलग से। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 10-15 जितने भी पंडाल हैं सारा इस वीडियो में रखे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी घूमना चाहते हैं वो देख लें कि कहाँ कहाँ पंडाल बना है, ताकि उन लोगों को सुविधा हो जाए। और आप लोग से मिलके तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नीतीश, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, इसी तरह लगे रहो और अच्छा कंटेंट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक खूबसूरत सा पंडाल। और हम लोग कहाँ आए हैं पीयूष? अच्छा, अभी हम लोग हरमू आ चुके हैं। बिल्कुल, हम लोग आए हैं पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति और बहुत खूबसूरत सा पंडाल बना है। तो चले अंदर, चलिए चलिए आपको दिखाते हैं, माता के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी सुंदर, और ऊपर में एक आप देख रहे होंगे जो बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है व्हाइट कलर का, और अंदर इस तरीके से सजावट किया गया है, थोड़ा राजस्थानी थीम ये लग रहा है। और इधर मेला लगा हुआ है इस तरीके से देख सकते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल पूरे सज धज कर तैयार है, हम लोग आपको माता के दर्शन करा रहे हैं। लोगों की भीड़ भी लगी हुई है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है।